क्वेश्चन नंबर 49। एसके लिमिटेड एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150 लाख ऑन अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 50,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट कितना है? 850 लाख, व्हिच अपीयर्स टू बी हाई। एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस 3,400 पर यूनिट। द कंपनी इज कंसिडरिंग टू रिवाइज द प्रॉफिट टारगेट टू 350 लाख। प्रॉफिट कितना चाहिए उन्हें, कितना एम कर रहे हैं वो? 350,000। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट एट एग्जिस्टिंग लेवल्स इन यूनिट्स एज वेल एज इन रुपीज। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया ना जहां पे रुपीज में कुछ पूछा है, सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन सम अप करके पीवी रेशियो लिख लो। आप हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, यूजुअली प्रेजेंट सिचुएशन को सम अप करना। इतना ऊपर डेटा दिया है ना, कुछ तो रिलेवेंस होगा उसका, राइट? चलो हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर 49। ऑलरेडी अगर किया होगा तो देखो, ठीक है। सो प्रेजेंटली टोटल सेल्स के दो पार्ट्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल फॉर रिकवरिंग व्हाट? फिक्स कॉस्ट एंड फॉर अर्निंग प्रेजेंट सिचुएशन। अगर हम देखें तो 150 लाख का प्रॉफिट है। कितने लाख का? 150 लाख। एम आई राइट? सो यहां पे मैं लिख के रख देता हूं फिगर्स इन लैक्स, फिगर्स इन लैक्स। तो ये 150 लिखता हूं बस, क्योंकि अगर यहां पे सिर्फ अभी मैंने 150 लिखा तो ऊपर पता है वो क्या है, लैक्स में, ठीक है। आगे और क्या दिया है? फिक्स कॉस्ट है 850। ओके, 850 ही है ना? हाँ। देन आगे, फिलहाल 50,000 यूनिट्स का सेल है। कितने? सो 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 3,400 पर यूनिट। कितने लाख होते? 1,700। ओके ग्रेट। चलो तो मुझे एक बात बोलो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आएगा 1,000 और वेरिएबल कॉस्ट आएगा 700, जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, बिकॉज इफ यू एड अप दीज टू यू गेट टोटल सेल्स, राइट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? और फर्दर कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल के रख दो क्या? तो यहां पे आप नीचे निकाल के तो रख दो ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? ये जो 700 लाख है डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स कितना आता है? 1,400 पर यूनिट है मेकिंग कॉस्ट पर यूनिट। मतलब 1,400 में बना के 3,400 में बेच रहा है वो, तो बेसिकली बिजनेस कितना कमा के दे रहा है? 1,700 में सेल हो रहा है, 1,400 में वी आर मेकिंग इट, तो कितने का कंट्रीब्यूशन हो रहा है बिजनेस से? 300 ना पर यूनिट, नहीं रे 2,000 आएगा ना, 3,400 माइनस 1,400 ना, राइट? कितना आता है? 2,000 पर यूनिट फॉर 1,000 लाख, फॉर 1,000 लाख ऐसा हुआ, ठीक है। पीवी रेशो क्या आएगा? 1,000/700 हाउ मच? 58.82। आगे क्या है? 82 लेता हूं मैं फिलहाल बस। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो वेरिएबल कॉस्ट 41.18। ओके, और टोटल सेल्स हो जाएगा 100%। तो बेसिकली प्रेजेंटली पूरा जो भी डेटा है उसको मैंने प्रॉपरली क्या कर लिया, सम अप। क्या क्या था उसमें? सेल्स था टोटल 1,700 लाख का, अभी यहां पे फिगर्स मैंने लाख में बोल दिया ऊपर, ठीक है।
देन फिक्स कॉस्ट है 850, प्रॉफिट है 150, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन आ गया 1000, वेरिएबल कॉस्ट आ गया बैलेंसिंग फिगर, फिर बस पर यूनिट निकाल के भी रख दिया मैंने, और पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पे निकाल के रख दिया, टोटल 100% ही होगा। टोटल कितना होगा? 100%। तो बेसिकली देखते हैं कितना डेटा ये काम में आएगा आगे चल के, हमारे पास अवेलेबल था तो हमने उसका पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे रख दिया है। हो गया यहां तक सबका? सबका हो गया यहां तक? ग्रेट। चलो अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट ही, प्रेजेंट सिचुएशन का ही क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अभी ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का चार्ट बना सकते हो, कितने बाइफर्केशंस, दो, क्या क्या, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, दो पार्ट्स, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट तो होता नहीं, फिक्स कॉस्ट कितना है 850, इधर मैं अभी ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो लैक्स, और ना आप हर जगह लिखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना ऊपर ये मत लिखना फिगर्स इन लैक्स, हर जगह क्या लिखो लैक्स, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो अगर फिक्स कॉस्ट 850 लाख का रिकवर करना है तो कंट्रीब्यूशन भी कितना चाहिए, 850 लाख। कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, पीवी रेशो कि दूसरा? पीवी रेशो से ही करना है, ठीक है। पीवी रेशो कितना आया था, 58.82%। तो 100% कितना, 1445.0, ठीक है, उन्होंने भी राउंड ऑफ किया है। अप्रोक्स लिखना बट वहां पे, या फिर सेकेंड मेथड क्या हो सकता है आपका, पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी अवेलेबल है ना, तो अगर एक यूनिट कितना 1000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, 2000 कर रहा था, अगर एक यूनिट यहां पे देखो 2000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था तो 850 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, करो 850 डिवाइडेड बाय 2000 है बट वो, सो 850 और आगे 50 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आता है, अच्छा क्लियर है। हिंट तो नहीं दिया है उसका, ठीक है बट वही होगा आंसर। हाँ मल्टीप्लाई करो उसको, किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 3400 करो, आ गया। वो मेथड एक्चुअली ज्यादा इजी है मेरे ख्याल से, बट आपको पीवी रेशियो पसंद है तो उससे करो, कोई प्रॉब्लम। टेक्निकली क्या हो रहा है बताए क्या, यू आर सपोज टू कंसिडर ऑल द डेसिमल्स तो वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। जैसे कैलकुलेटर लो, 2000 डिवाइडेड बाय 3400 कितना आता है, अभी दबाओ डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू इनटू 850 और आगे 50 इज इक्वल टू करो, एग्जैक्ट आ रहा है क्या? तो बेसिकली अगर आप पीवी रेशियो के सारे डेसिमल्स कंसिडर करते हो ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। कैसा आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट। क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है यहां तक पक्का? चलो राइट इट डाउन क्विकली। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, 3400। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
2000 पर यूनिट आया था ना हमारा, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 1400 पर यूनिट। अभी यहां पे ध्यान दो, हमें पता है एक यूनिट सेल करके कंट्रीब्यूशन कितने का होने वाला है? 2000, राइट। यहां पे अगर मैं बोलू यूनिट्स ऑफ सेल और कंट्रीब्यूशन, मुझे पता है अभी अगर एक यूनिट सेल करता हूं तो इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग 2000 रुपीस। तो कितने का कंट्रीब्यूशन चाहिए है? 850 लाख। तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? कितना आ रहा है? 42,500 यूनिट्स। ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। यही ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? 42,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना है, तो कितना आता है? वही आएगा ना, कितना आ रहा है? 14। कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है एग्जैक्ट फिगर? 1,45,00,000 आ रहा है ना, दैट इज 1,45,00,000। समझा क्या? कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम ही आने वाला है। पहले मेथड में हमने क्या देख लिया? बीईपी रुपीस, वहां पे आपको फिर बीईपी यूनिट्स निकालना पड़ेगा। क्या आया था? 1,445,00,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 3,400 पर यूनिट। कितना आता है? एक तो आप पहला मेथड यूज करो जिसमें पहले मैंने रुपीस निकाला बाद में यूनिट्स, या फिर दूसरा मेथड जिसमें पहले मैंने यूनिट्स निकाले और बाद में रुपीस। क्लियर है? आ रहा है क्या? मैं दिख रहा नहीं तो इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ, जगह है आगे, तो तू जो पीछे बैठ जाए। इसमें बोल रही है तू? हाँ, यूनिट्स ना। हाँ, कितने यूनिट्स बना रही तू? 50,000। चलो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, सेकंड पार्ट क्या है? द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, देखते हैं क्या है। सो टोटल सेल्स के कितने बाइफरकेशंस? 2। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अभी सब लोग यहां पे ध्यान दो, टारगेट प्रॉफिट कितना है? 350 लाख। टारगेट प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में, कितना है? 350 लाख, राइट। तो यहां पे लिख दू, बट ये प्रॉफिट कब कमाया जाएगा? आफ्टर वी रिकवर व्हाट? फिक्स कॉस्ट, राइट। क्योंकि सिर्फ उन्होंने बोला प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट होगा, और टोटल प्रॉफिट कब कमाया जाता है? आफ्टर वी रिकवर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 350 लाख। तो कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 1000। इतना कंट्रीब्यूशन बिजनेस ने कमाना चाहिए। यूनिट्स पूछे ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेथड से भी कर सकता हूं, या पीवी रेशियो से भी कर सकते हो।
क्या यूज करोगे? ठीक, पीवी रेशो क्या है? 58.82. तो 100% कितना आएगा? 2040.1. पूरे डेसिमल्स कंसिडर कर, फिर बोल, फिर वापस वो कैलकुलेटर पे सारे लेने पड़ेंगे सारे डेसिमल्स। एक काम करो, सब मेरे साथ करो, लो मैं जो बोलता हूं वैसा करो। पर यूनिट के हिसाब से पीवी रेशो वापस कैलकुलेटर पे ले लेते हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 3400 इज इक्वल टू, करो ये आ गया पीवी रेशो। अभी दबाओ डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू इनटू क्या आया था 1200 इज इक्वल टू, करो 2040 लैक्स। इतने का टोटल क्या होना चाहिए? सेल्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी 2040 लैक्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो चेंज हो रही है क्या? तो क्या आएगा? 60,000. कितने यूनिट्स आ रहे हैं? 60,000। या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले लिख लो आप, 2000 था ना, अगर एक यूनिट सेल करके 2000 का कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है तो 1200 लाख के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 60,000। सेकेंड मेथड भी आप यूज कर सकते हो, उसमें वो भी ज्यादा इजी है, वैसे कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं है। देखो जहां पे भी पीवी रेशो ऐसा डेसिमल्स में आ रहा है ना और आपके पास पर यूनिट डेटा अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से वो मेथड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। कौन सा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मेथड, कंफ्यूजन अवॉइड होगा उससे। यहां पे क्या है, हर बार 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 आपको सारे डेसिमल्स लेने पड़ेंगे कंसिडरेशन में, राइट? वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 2000 आया था ना, तो एक यूनिट सेल करके अगर 2000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 1200 लाख के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? करो 1200 आगे पांच जीरो लगाओ डिवाइडेड बाय 2000, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। पीवी रेशो के झमेले में भी फंसने की जरूरत नहीं है इन दैट वे। सबको समझा? बढ़ू आगे, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट विथ 15% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम बाय 10%। ठीक है, देखते हैं। प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट ही होगा, सो टोटल सेल्स का ही चार्ट लगेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है फिलहाल? बढ़ रहा है कि कम होने वाला है? कितने से? इंक्रीज है ना, तो इसको 15% से बढ़ाओ तो 39, तो ये नया सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा। वॉल्यूम में क्या चेंजेस बोला है? फिलहाल कितना वॉल्यूम सेल हो रहा है? 50,000। कितना परसेंट कम करना है? कितना होगा? तो नया सेल्स होगा 45,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3910 पर यूनिट। कितना होगा टोटल सेल्स फिर? 17,595,000। सबका वही आ रहा है 1759.5। यही आ रहा है क्या सबका? देख लो एक बार, किसी का कुछ अलग आ रहा है तो
चलो आगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। वो कितना था पहले? वो अभी भी उतना ही होगा ना। और कितने यूनिट्स अभी सेल हो रहे हैं? तो इतने बनाने पड़ेंगे। कितना आएगा नया वेरिएबल कॉस्ट? 630। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना? 1129.5 राइट। फिक्स कॉस्ट क्या पूछा है? क्या आता है? यही है। हो रहा है क्या मैच? कुछ नहीं, उधर ही चेंजेस करो, बहुत इजी है, लैंग्वेज पढ़ो बस शांति से। यहां पे फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो प्रिंटिंग एरर है ना? क्या प्रिंटिंग एरर है? ये जो टू है ना यहां पे, ये थ्री करो। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पे चेंज करो, ये थ्री करो। ऑनेस्टली बहुत इजी है, सिर्फ शांति से ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट सिचुएशन, वही डेटा कैरी फॉरवर्ड होता है अगले सिचुएशंस के लिए। ठीक है, हो गया। हो गया ना? चलो ग्रेट। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम टू बी अचीव्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट एट द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन से पार्ट में चेंज किया था हमने? थर्ड पार्ट में, इसलिए मैंने आपको चेंज करने बोला। इफ अ रिडक्शन ऑफ 8% इन द वेरिएबल कॉस्ट एंड 85 लाख इन फिक्स कॉस्ट, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो दोनों रिड्यूस करना है, वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस करना है और फिक्स कॉस्ट भी रिड्यूस करना है। पूछा क्या है? वॉल्यूम टू बी अचीव्ड, मतलब कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। टारगेट प्रॉफिट कितना था? 350 लाख। नया सेलिंग प्राइस क्या था? 1939.10, ये रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस था। वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंजेस करने हैं तो मैंने आपको बोला था पर यूनिट में चेंजेस करने पड़ते हैं, और अगर फिक्स कॉस्ट होगा तो टोटल में। समझा? चलो अभी फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे बोलो टारगेट प्रॉफिट कितना था, लिख दूं यहां पे कितना प्रॉफिट चाहिए है। फिक्स कॉस्ट पहले कितना था? उसमें कुछ चेंजेस करने हैं क्या? कितने से कम करना है? तो उसको कम कर दो, कितना होता है? ये हो जाएगा 765 लाख। नया कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? अगर आपको 765 लाख का फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है और उसके बाद 350 लाख का प्रॉफिट भी कमाना है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 1115। ये समझा सबको? यहां तक कोई डाउट? अभी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस क्या था, लिख दूं सीधा सीधा 3910। वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल सिचुएशन में कितना था? 40। कितना चेंज करना है? 8% से कम करना है ना? Yes. कितना होगा? 1 2। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 262।
ये आएगा आपका 2622 पर यूनिट. तो बेसिकली एक यूनिट सेल करके 2622 रुपए का कंट्रीब्यूशन होने वाला है. तो अगर 1115 लाख का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? आप पीवी रेशो मेथड से भी कर सकते हो ये. तो एक यूनिट सेल करके 2622 रुपीज मिलने वाले कंट्रीब्यूशन. तो 1115 लाख है ना. कितने सेल करने पड़ेंगे? 42,524. पॉइंट कुछ आ रहा है? हाँ. कितना? 797. तो राउंड ऑफ कर दो ना. 525. आप ये क्वेश्चन पीवी रेशो मेथड से भी कर सकते थे. 2622 डिवाइडेड बाय 3910 पीवी रेशो आएगा क्या? हाँ. कितना आ रहा है? 63. मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो. ठीक है. 2622 डिवाइडेड बाय 3910 इज इक्वल टू, ये पीवी रेशो है. अभी दबाओ. डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू इनटू 1115 और आगे 50 और इज इक्वल टू आ रहा है. डिवाइडेड बाय 3910 वो जो फिगर आया इसके पहले वो टोटल सेल्स आया. इतना टोटल सेल करना पड़े. पूछा यूनिट्स है तो डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ये ज्यादा इजी ना. फिर पीवी रेशो से पहले आपको पहले वो फिगर रुपीज में मिलेगी, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इन ऑर्डर टू गेट नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ये और इजी है ना. एक यूनिट को सेल करके कंट्रीब्यूशन कितने का मिलने वाला है? 2622. तो अगर इतना टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? कितना इजी है. मेरे ख्याल से ये यूज करो जब पीवी रेशो डेसिमल्स में आ रहा है. हाँ, अगर एग्जैक्ट पीवी रेशो आता है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे. बट जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो पीवी रेशो ये कैलकुलेटर पर एंड तक आ रहा है ना पूरा. सो मेरे ख्याल से अगर ऐसा सिचुएशन होगा और आपके पास पर यूनिट डेटा अवेलेबल होगा ना, यूज दिस और इजी है. देख लो मैच हो रहा है क्या? हाँ. बस एक वार्म अप. चलो समझ गया ये. ऐसा और एक क्वेश्चन हमने देखा था ना, 44th भी ऐसा ही क्वेश्चन है. एक बार आप देख सकते हो उधर भी वो एक प्रिंटिंग एरर को रेक्टिफाई करना. सेम प्रिंटिंग एरर उधर भी क्यों? 3910 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है. चलो बड़े आगे हो गया ये.